स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी टर्न है क्वेश्चन नंबर 9 की। दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 9 एंड 10। चैप्टर वन लाइट की चल रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कम्प्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। इसने क्या पूछा है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसको हम कवर कर देते हैं हाफ, किससे? ब्लैक पेपर से। तो क्या पूछ रखा है कि फिर उसके बाद जो इमेज आएगी हमें ऑब्जेक्ट की, वो कंप्लीट मिलेगी या फिर कैसे मिलेगी? तो यह एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन को हमें बताना है। तो आंसर क्या है? व्हेन वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, दिस लेंस प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि कवर करने के बाद हमें कंप्लीट इमेज मिलेगी, वो कैसे? आप डायग्राम में ये जो रे डायग्राम शो कर रखा है एक्सपेरिमेंटली, इसको आप देखो। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसको हाफ कवर कर दिया, ये डार्क कर रखा है, जो ये मतलब कवर कर रखा है। तो राइट साइड में इमेज देखो, ए डैश बी डैश, हमें कंप्लीट इमेज मिली हुई है। ठीक है, बट क्या है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वी फाइंड दैट इमेज फॉर्मेशन डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ए लेंस। क्या कह रहा है कि जो इमेज हमें मिली है वो लेंस के साइज पे डिपेंड नहीं करती। स्मॉलर लेंस कैन ऑल्सो फॉर्म कम्प्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। क्या कह रहा है कि एक छोटा लेंस भी कम्प्लीट इमेज दे सकता है, फॉर्म कर सकता है। हाउएवर, लेकिन ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिक्रीजेज व्हेन सम पार्ट ऑफ लेंस इज ब्लॉक्ड। बस क्या कह रहा है कि कहाँ पे फर्क पड़ेगा, जो उसकी ब्राइटनेस है इमेज की, उस वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने हाफ पार्ट कवर कर रखा है ना, तो हाफ से ही दिखेगा, तो वो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। इट इज बिकॉज नाउ लेसर नंबर ऑफ रेज पास थ्रू द लेंस। और वो ब्राइटनेस कम क्यों होगी, क्योंकि जो लेंस हाफ तो कवर है, हाफ ही है, जो लेंस रे को पास करेगा वो हाफ ही बचा हुआ है, तो रेज कम जाएंगी, फिर कम पास होंगी उस लेंस में से, इसीलिए रेज तो हमें कंप्लीट मिलेगी बट उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का चैप्टर लाइट जो है, फिजिक्स का, 10th क्लास का, साइंस का, वहाँ पे ऐसे ही सीरियल वाइज है, जो मैं आपको डेली सोल्व करके नोट्स के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड पोजिशन बता रखी है ऑब्जेक्ट की 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या 10 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना कि जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की वो -25 सेंटीमीटर ले रखी है, क्योंकि गिवन क्या है कि हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, अवे तो नेगेटिव में आएगी। ओके, फिर इसने क्या क्या पूछा है, ड्रॉ द रे डायग्राम, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, चार चीज़ें पूछ रखी हैं। तो स्टेप वन में हमने रे डायग्राम शो कर दिया है जो आप देख सकते हैं, स्टेप टू में पोजीशन निकालनी है हमें, स्टेप थ्री में फाइंड साइज एंड नेचर। ओके, ऐसे ये सोल्व करना है। तो अब देखो रे डायग्राम आप देख लेना, इसको अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन कर बना लेना, ड्रॉ कर लेना। अब सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, पोजीशन निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू में 1/f। एक लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला, जो मैंने डिस्कस किया था चैप्टर वन फॉर्मूलाज में, वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, और इसी तरह मिरर वाले में यहाँ प्लस आता है, तो ये फॉर्मूला, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, यू की वैल्यू पुट कर दी, एफ की पुट कर दी, तो यहाँ से सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखो, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि अपोजिट साइड है। अब स्टेप थ्री क्या निकालना है, साइज एंड नेचर। साइज के लिए हमें क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होता है, वी बाय में यू होता है, और या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दो फॉर्मूले होते हैं। तो पहले हम यहाँ से एम निकाल लेंगे, यू की वैल्यू गिवन थी, वी की हमने पीछे फर्स्ट सेकंड स्टेप में निकाल ली, तो पुट करके एम की वैल्यू आ गई। अब एम की वैल्यू आने के बाद हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन थी 5 सेंटीमीटर, एम की वैल्यू मिल गई -0.66, तो
द हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी एच डैश, वो क्या आ गई -3.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन ये जो आया है ना आंसर में ये बता रहा है। तो लास्ट में ये रिजल्ट हैं जो आंसर पूछे थे, क्या क्या है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन क्या आई है 16.66 सेंटीमीटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लेंस, और साइज ऑफ इमेज क्या आई है -3.3 सेंटीमीटर एट द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। ओके सो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए आज, डेली इसी तरह क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो ताकि जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके, मदद हो सके। ओके थैंक यू सो मच।